Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Welcome to all Ghiza the Diet Clinic. Main hoon aapka apna host, dietitian Imran Nawaz Bhatti. Aaj Jumatul Mubarak ka babarkat din hai. Tamam aalme Islam ko Juma ki bahut bahut mubarak ho. Aaj hum apni ghiza ka bahut hi important juz पानी वाटर जिसे कहते हैं वो डिस्कस करते हैं. ग़िज़ा हमारी ग़िज़ा में बेहतरीन हिस्सा जो है वो पानी का है. बेशक पानी जिससे हमें कैलोरीज नहीं मिलती लेकिन पानी के बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते. तो आज हम सुन्नत तरीका के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करते हुए आज हम सीखेंगे पढ़ेंगे कि पानी को कैसे पीना चाहिए और सुन्नत के ऐन मुताबिक पानी पीने से हमारे जिस्म में क्या क्या हमारी बॉडी को क्या क्या फायदे मिलते हैं क्या क्या उसके फायदे हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पानी पीने की सुन्नत मुबारक क्या है. तो पानी पीने की 6 सुन्नतें हैं. नंबर 1 बिस्मिल्लाह पढ़ के, नंबर 2 बैठ के, नंबर 3 किबला रुख, नंबर 4 सीधे हाथ से और नंबर 5 3 सांसों में और पानी में सांस छोड़े बगैर 3 सांसों में पानी पीना. और छठी सुन्नत है पानी पी के अल्हम्द शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह कहना. ठीक है, तो ये 6 सुन्नतें हैं. इसके मुताबिक हमने देखे पानी तो पीना है. हमारी खाने के टाइम वैसे भी हम जो है ना वो अगर एज अ डाइटिशियन मैं बात करूं तो मैं कहता हूं कि आपको तकरीबन 19-20 ग्लासेस जो है ना वो पानी इंटेक करना चाहिए 3-6 लीटर के दरमियान. एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन जो है वो इतनी दफा पानी पिए. तो इतनी दफा पानी पीना है तो हर दफा अगर सुन्नत मुबारका के साथ ये पानी पिएंगे ये अमल करेंगे तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो हम टिप्स पे काउंट कर सकते हैं. हमारे बैठ के पानी पीने से कभी भी लंग्स जो है जिसको गुर्दे कहते हैं वो खराब नहीं होते. नंबर 2 हमारे जो नीज हैं घुटने हैं उनमें कभी भी दर्द नहीं होगा. नंबर 3 बैक बोन्स वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं उसमें कभी भी कमजोरी नहीं आती वो स्ट्रेच रहती है वो मजबूत रहती है. नंबर 4 जो है वो हमारा मेंटल जो लेवल है जो जो हमारा माइंड है वो बड़ा इससे ताकत फील करता है. और नंबर 5 जो है दिल के जो वॉल्व्स हैं बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स आपने सुने होंगे. ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा मजबूत रहते हैं बैठ के पानी पीने से. और अब हम इसको अगर साइंटिफिकली देखें तो आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की हर एक एक चीज हमारे लिए जो है ना वो मशले राह है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ हमें सिखाती है. तो साइंस जो है वो इस्लाम की तस्दीक इस तरह करता है जैसे आप सल्लम की हम पानी को डिस्कस कर रहे हैं बैठ के पीने से उसमें सांस ना छोड़ना पानी में सांस ना छोड़ना इससे क्या मुराद है. अगर साइंटिफिकली आप देखें तो आपको पता है वाटर जो है पानी जो है उसका केमिकल फार्मूला जो केमिकल फार्मूला है वो है H2O. ठीक है, उसमें अगर हम जब सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने का मतलब एक्सहेल करने का मतलब है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर रहे हैं. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में हम पानी पी रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं जो कि नहीं छोड़नी चाहिए तो जब हम छोड़ रहे हैं तो पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो इसके लिए किसी भी इसको कीमियाई रिएक्शन को होने के लिए किसी भी कैटलिस्ट की किसी भी बरूनी कुवत की ताकत की जरूरत नहीं होती. जैसे ही पानी के साथ H2O के साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड H2CO3 बन जाएगा. अब जो H2CO3 है ये ही बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड है. सो इसका मतलब ये है कि हम पानी के बर्तन में जब सांस छोड़ेंगे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे
और पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिलेगी तो वो अंदर ही बर्तन के अंदर ही वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी और वो कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअल हम ले रहे होते हैं। तो आप बिलीव कर सकते हैं कि आप तेजाब पी रहे हैं, पानी नहीं पी रहे, जिसको आप इतना सेहतमंद और आप कहेंगे जी मैं ब्रांडेड वाटर ले रहा हूं, मैं फ्रेश ले रहा हूं, मैं मिनरल वाटर नेस्ले ले रहा हूं, ये है वो है, तो उस ब्रांड का उस चीज का कतई कोई फायदा नहीं अगर आप आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पे अमल ना किया। तो ये एक सुन्नत है 6 सुन्नतों में से कि पानी पीते वक्त पानी में सांस नहीं छोड़ते। तो देखें इसके कितना बड़ा फायदा है। तो होप सो आपने इस एक इस्लामिक इस जुमे के बबरकत दिन पे एक इस्लामिक और एक साइंटिफिक जो है ना वो रीजन को कलेक्ट करके हमारी गिजा को आप इंशाल्लाह बेहतर बनाएंगे। और आइंदा के बाद आप मुझसे प्रॉमिस करें कि इंशाल्लाह जब भी पानी पीना है इस अल्लाह पाक की दी हुई नेमत से फायदा उठाना है, अपने जिस्म को फायदा देना है, इतनी ज्यादा सारे बीमारियों से बचना है, तो इंशाल्लाह उल अजीज हम जो है ना बैठ के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के आयन मुताबिक पानी इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी, जजाकल्ला। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है मुझे इस चैनल को, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको सुन्नत समझ के जो है ना हमारे पानी पीने के अमल को इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको नेक्स्ट फर्दर वीडियोस मिलती रहें। जजाकल्ला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।